नमस्कार दोस्तों, इंडियन कंप्यूटर चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि रेडमी वाई वन के बारे में। तो चलिए हम आपको पूरा वीडियो में आपको दिखा देते हैं आपको रेडमी वाई वन के बारे में कि वो किस प्रकार का है, उसका हम अनबॉक्सिंग करके भी आपको दिखा दे रहे हैं। तो सबसे पहले, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन दिखाई पड़ा है, उसे आप दबा दें और बेल बटन दबा दें ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन भी मिलते रहेगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं रेडमी वाई वन को जो सील पैक है, तो चलिए हम आपके सामने इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। चलिए इसमें डब्बा में पहले देख लेते हैं क्या चीज़ दिया गया है। तो देखिए, इसके पीछे साइड हम देख पाते हैं कि यहाँ सारा डिटेल्स लिखा हुआ रहता है। देखिए, यहाँ पर 5.5 इंच का HD डिस्प्ले है और गोरिल्ला ग्लास है इसमें लगा हुआ। आप देख सकते हैं जो अंदर आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, सेल्फी फ्लैश यानी कि सेल्फी यूज कर सकते हैं। इसके साथ आपका ओक्टा कोर प्रोसेसर इसमें दिया गया है और 3 GB रैम और 32 GB रोम है। तो चलिए हम आपको इसको ओपन करके दिखा देते हैं। तो दोस्तों, अगर ये मोबाइल आपको अगर लेना होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाला हुआ है, तो आप वहाँ से ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो चलिए, हमने ये बिल को अलग कर दिए, ये बिल साथ में था। चलिए दोस्तों, एक बार आपको फिर से आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या खूबी है। इसमें डुअल सिम है, डुअल स्टैंड बाय, आपका 5.5 इंच का HD डिस्प्ले है, 3 GB रैम है और 32 GB का रोम है। चलिए हम इसको फाड़ के देख लेते हैं इसके अंदर। दोस्तों, अगर ये मोबाइल अगर आपको पसंद लगेगा, अगर आपको ये लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाला हुआ है, तो आप वहाँ से जाके आप इसे ख़रीद सकते हैं ऑनलाइन। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मोबाइल का लुक अच्छा है, 5.5 इंच का डिस्प्ले है और देखिए इसके अंदर और क्या चीज़ है। एक डाटा केबल है जो आप इसे कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हैं या चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, एक पिन दिया गया है, इस पिन से आप सिम को निकाल सकते हैं या मेमोरी कार्ड को। उसके बाद देखिए, यहाँ पर एक चार्जर भी है, आपको मोबाइल इसे चार्ज कर सकते हैं आसानी से और कहीं ले जा सकते हैं छोटा चार्जर।
चलिए आपको बता देते हैं आपको सिम कहाँ पर लगाना है। देखिए आपको सिम लगाने के लिए आपको ढक्कन नहीं खोलना पड़ेगा, आपको पिन सिस्टम है इसमें। अब देखिए इस पिन को उठा के आपको यहाँ पिन लगाने का जगह बना हुआ है, इसमें आपको हल्के से इसमें डाल देना है। उसके बाद आपका ट्रे ओपन हो जाएगा जिसमें आप सिम लगा सकते हैं, डबल सिम और एक मेमोरी कार्ड, यानी कि आप एक बार में दो सिम और एक मेमोरी कार्ड इसमें डाल सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर पावर बटन, इससे आप ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा मोबाइल है क्योंकि इसमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है जिससे आप सेल्फी आसानी से बहुत अच्छे से खींच सकते हैं, पिक्चर आपका अच्छा आएगा। 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है इसमें। तो दोस्तों अभी भी अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं और इसमें आपका लिंक डाला हुआ है तो उससे आप परचेज कर सकते हैं इस मोबाइल को ऑनलाइन। सबसे पहले आपको एक्टिवेट करने के लिए आपको जो जो आपको यहाँ पर मांगा जाएगा वो डिटेल्स आपको देना है, जैसे चूज योर रिलीजन आपको भरना है। कुछ टाइम लगेगा आपको, शुरू बार में आपको कुछ लेट लगेगा आपको ओपन करने में। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपको चाहते हैं कि हम हर मोबाइल को इसी तरह आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाते रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमेशा इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहेगा। हर मोबाइल को हम आपके सामने खोल के पेश करेंगे और उसके बारे में बताएँगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो थैंक यू।